hello and welcome to the knowledge source so european union has adopted the sinatra doctrine to counter the china's assertiveness so in this session we'll discuss about what is sinatra doctrine and when it was implemented in the history what is the significance of the sinatra doctrine in present context so we'll discuss everything related to the sinatra doctrine and the in the context of it we'll also discuss that what is the present bilateral relationship between the european union and the chinese communist government

ये असर्टिवनेस इतनी इसकी चाइना की बढ़ चुकी है कि यूरोपियन यूनियन में भी इसके इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी और इसके चलते अभी यूरोपियन यूनियन में एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चाइना जो अभी प्रेजेंट टाइम में खेल रहा था तो जिसके चलते अभी यूरोपियन यूनियन में जो भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन के अंडर उन्होंने क्या किया है कि एक डील अपने साथ जो उन्होंने साइन किया है और इसमें यह बोला गया है कि जो बीजिंग की इन्फ्लुएंस है नो जो उनकी जो एस

चरनेंको है उनकी वो डेड उनकी मौत हो चुकी है और सेवेंटी थ्री ईयर्स के एज थे और जिनके बाद जो यूएसएसआर के नए प्रेसिडेंट हैं वो है गोरविच्यूज़ और वो उनको उन्होंने अर्ज कर लिया है कि मतलब जैसे ही वो सक्सीड हुए हैं उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक कंट्रोल है जो आर्म आर्म्स कंट्रोल है और इकोनॉमिक की जो सिचुएशन जो फ्रेजिलिटी है स्पेशली अगर यू में है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है या फिर रोकना है जिसके चलते जो डिसइंटीग्रेशन की जो अल्टीमेट लेवल तक पहुंच चुकी थी कि यूएसएसआर अब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वो उस लेवल तक उसको थोड़ा सा डिले किया सके तो ये गौरविचूज जो, जो है उस समय प्रेसिडेंट जो यूएसएसआर के उस समय चूज किए गए थे और उनकी ही ये पॉलिसी थी जिसे हम नेम्स अभी डिस्कस कर रहे हैं जो है सिनात्रा डॉक सो so, अगर मैं बात करूं कि ये सिनाट्रा डॉक्ट्राइन क्या है तो देखिए यूएसएसआर जो है वो 1989 में अल्टीमेटली डिस हो चुका था जो कि अलग अलग कंट्रीज में बढ़ चुका था जो कि अभी हम देख रहे हैं कि जो यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अभी के टाइम पे वो एक साथ थी नाइनटीन तक जिसे हम बोलते थे यूएसएसआर ठीक है तो यूएसएसआर जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन जो डिफरेंट कंट्रीज हैं स्पेशली अगर वार्सअप पैक्ट के अंदर जो कंट्रीज थी उनको ये सिनाटा डॉक्ट्राइन प्रोवाइड करता था कि देखिए पहले क्या होता

अप पैक्ट के स्टेट्स जो हैं, वो अब अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के यूएसएसआर के अंडर में तो अगर इस जैसे ही ये सिनाटा डॉक्ट्राइन अडॉप्ट हुआ तो इसके साथ क्या हुआ कि जो यूएसएसआर था वो टोटल अदर कंट्रीज पे वो इन्वेड नहीं करेगा मेंबर कंट्रीज पे जो थ्रेट था कम्युनिज्म का वो हट गया और जो यूएसए का जो एक यूनो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर मैं बोलूँ उनका एक सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन था कि जो जिस तरीके से कम्युनिज्म स्प्रेड हो रही थी पूरे वर्ल्ड में वो भी उनका जो ये कलेक्टिव जो थ्रेट था वो भी रिड्यूस हो गया इस सिनाट्रा डॉक्ट्राइन के साइन होते ही सो so, अगर हम देखें कि चाइना और यूरोपियन यूनियन में अभी कुछ सालों में या फिर एक डिकेड में किस तरीके के बायोलिट्रल रिलेशन हुई है या क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसके चलते ये जो सिनाटा डॉक्ट्राइन के कॉन्सेप्ट तक ये अभी बायोलिट्रल रिलेशन पहुंच चुकी है देखिये जो चाइना की जो एम्बिशन है जो अंडरमाइन करता है कि यूरोपियन यूनिटी की और उसमें वो क्या करता है कि अपना जो लेवरेजिंग बढ़ाना चाहता है चाइना कैसे बढ़ा रहा है देखिए इकोनॉमिक पावर के थ्रू अपने जो बिग पॉकेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहा है कि जो छोटे कंट्रीज हैं जिनको फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है तो उनको पैसे प्रोवाइड कर रहा है और उसके पे क्या कर रहा है कि जो पॉलिटिकल फेवर्स हैं जहां पे स्टैंड लेने की बात होती है जहां पे किसी कंट्री को सपोर्ट करने की बात होती है वहां पर चाइना इससे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ले रहा है इसके बाद जिस तरीके के मिसमैचेज हो रहे हैं भाई हम देखें कि जो बीजिंग और यूरोपियन यूनियन के बीच में जहाँ पे बीजिंग बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोलता है कि हम विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ मटेरियल विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ मनी लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिमांड और जो एक्सपेक्टेशन वर्सेज रियलिटी के जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैचेज हैं जिसके चलते यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं वहाँ से उस नाखुश नजर आ रही हैं और अभी के जो रिसेंट में कोविड नाइन्टीन की जो सिचुएशन है और जहाँ से ये इमर्ज हुआ जिसके चलते कि एक ये यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में एक बहुत ही गुस्सा है कि ये जो टोटल उनके ये नो कोविड नाइन्टीन जहाँ से स्प्रेड हुआ और पूरे कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में किसी सारे कंट्रीज़ को इनगल्फ कर लिया जिनकी इकनॉमी ख़राब हो गई तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि अभी की जो सिचुएशन में हम देखें कि यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में बहुत ही यू नो इनकी जो बायोलिट्रल रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रेन हो चुकी चुकी है लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मैं आपको बताता हूं कि जब प्रेंस प्रेसिडेंट ट्रंप जब पावर में थे यूएसए में तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मल्टीलेटरल फोरम थे उनसे वहां पे उन्होंने यूएसए को अपने बाहर निकाला जैसे कि यूएचआरसी यूनियन यूनियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गया इसके बाद आ, सोलर uh, अलायंस जो हो गया या फिर यूनेस्को को क्रिटिसिज्म करना तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ पे एक वैकम क्रिएट हो गया है और चाइना की जो ऐसा टग्नेस है या जो चाइना की अपने ड्रीम है कि वो वैकम को यूएसए जो खाली कर चुका है उसको फिलअप किया जाए और अपनी जो पावर है उसको पूरे वर्ल्ड में उसको सो ऑफ किया जाए तो ये एक चाइना की ड्रीम है तो so, अगर हम देखें कि जो ये सिनाट्रा डॉक है इसमें यूरोपियन यूनियन किस तरीके से चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें मेजर देखिए दो पिलर पे फोकस किया जाएगा ये जो टोटल सिनाट्रा है इसमें क्या किया जाएगा कि पहला तो जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है जहां पर उनकी इंगेजमेंट होगी जहां पर यूरोपियन यूनियन और चाइना की जो थिंकिंग होगी वो एक जगह पर मिल पाएगी जैसे कि क्लाइमेट चेंज इशू हो गया जहां पर कोविड नाइनटीन को रोकना जहां पे टेररिज्म को रोकना तो ये

अपने सोवरेंटी को मजबूत करेंगे और इसमें जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेंगे ये टोटल ऐसे टू फ्रंट्स हैं जहाँ पे ये सिनाट्रा डॉक्ट्राइन आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा सो आई रियली होप यू हैव गाइस अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट सो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू एज फॉर ज्वाइनिंग